टुडे वी टॉक अबाउट लैप्लेरियन इक्वेशन। लैप्लेरियन इक्वेशन हमारे पास क्या है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा प्रोसेस को समझते हैं कि ये प्रोसेस है क्या हमारे पास, यानी हमने इसकी डेरिवेशन करनी कैसे है। तो उसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ की गई है। सपोज़ करें ये नीचे हमारे पास ए एक लिक्विड मौजूद है, अगर हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और क्लोज कंटेनर लिया हुआ तो ऊपर आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो इक्वल हो जाएगा जितना, यानी कि एक मॉलिक्यूल अगर वेपर स्टेट में जा रहा है तो एक वेपर का दोबारा लिक्विड में आ रहा होगा, यानी दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर फेज से लिक्विड फेज के अंदर चेंज होना, तो ये दोबारा उसके अंदर चेंज होगा। मैंने इसको नाम दे दिया लिक्विड को ए का और वेपर को बी का नाम दे दिया गया। जैसा कि वाटर लिक्विड फेज के अंदर हमारे पास वो दो चेंज हो रहा है वाटर गैस फेज के अंदर, और दोनों इक्विलिब्रियम है, ये साइन इक्विलिब्रियम का शो कर रहा है कि रेट ऑफ वेपोरेशन इक्वल है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये दोनों जोन्स हैं वो इक्वल अमाउंट में है, इसका मतलब होता है कि दोनों का रेट इक्वल है, यानी कि जितने मालिक्यूल्स ए से बी में जा रहे हैं उतने ही बी से ए में आ रहे हैं। तो सपोज करते हैं हमारे पास इसकी गिब्स फ्री एनर्जी जो होगी, मालिक्यूल्स ए की ए आ जाएगी हमारे पास, और बी के लिए हम डिसाइड कर लेते हैं बी को। अब सपोज करें अगर हमारे पास जी बी माइनस जी ए यानी कि इनिशियल जो हमारे पास मॉलिक्यूल थे लिक्विड फेज के अंदर, अगर उसकी गिब्स फ्री एनर्जी ज़्यादा हुई प्रोडक्ट में यानी कि गैस फेज से और आंसर आया नेगेटिव में, यानी कि गिब्स फ्री के एनर्जी का अगर हम इन दोनों का सम लें तो हमारे पास जो यानी कि सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो नेगेटिव आंसर आ रहा है, अगर नेगेटिव आया तो हमारे पास होगा वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अगर हम दोनों का सम यानी कि बी की अगर गैस फेज के अंदर ज़्यादा हो जाती है और लिक्विड फेज के अंदर कम होती है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, और ये हमारे पास होता है फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव में हो तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और पॉजिटिव में हो तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर दोनों का सम इक्वल सब्सट्रैक्शन करने के बाद वो इक्वल के आ जाए जीरो के तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझते हैं, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी ए और बी दोनों की इक्वल है हमारे पास। अब सपोज करें हमारे पास ए मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है बी के अंदर और बी वही हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब हमारे पास जो सिस्टम सेटअप किया गया इसको आप टेम्परेचर प्रोवाइड करें, माइन्यूट सा टेम्परेचर प्रोवाइड करें, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उससे वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, अगर वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वो वेपर ज़्यादा बना रहा है और वेपर बढ़ाने से वो दोबारा चेंज हो रहा है, और यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जब हमारे पास एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में पहले ही मौजूद हो और हम सिस्टम को डिस्टर्ब करें, जैसा कि हम इसमें डिस्टर्ब करने लगे हैं टेम्परेचर प्रोवाइड करके, तो सिस्टम क्या करता है दोबारा उस कंडीशन की तरफ मूव करता है जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम यानी कि वो जो हमने इफेक्ट उसके ऊपर प्रोवाइड किया था उसको ज़ीरो करने के लिए, और दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन करने की तरफ चला जाता है। यानी कि अगर उसकी गिब्स फ्री एनर्जी पहले जी ए थी तो वो थोड़ी सी माइन्यूट सी डी यूज़ किया जाता है स्मॉल चेंज के लिए, तो स्मॉल चेंज डी जी ए आ जाएगा, और गिब्स फ्री एनर्जी जी बी वो भी माइन्यूट सी बढ़ जाएगी डी जी बी, यानी कि माइन्यूट सी गिब्स फ्री एनर्जी उसकी भी बढ़ गई। डी टी हमने स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर किया था और स्मॉल चेंज इन प्रेशर हुआ था जो ऊपर वेपर प्रेशर लग रहा था, और हमने इन दोनों के इफेक्ट को ही देखना कि इन दोनों का इफेक्ट इसके ऊपर क्या आते हैं। अब जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी ए और बी की हमने ऊपर बोल दिया ये दोनों की इक्वल थी, अगर इक्वल है तो ये इधर पहले ही पॉजिटिव में है, अगर ये भी इक्वल है उसके तो वो इधर आएगा तो नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल होकर ज़ीरो, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। हमने एक फार्मूला पहले ही आइडेंटिफाई किया हुआ था, डी जी जो इक्वल है वी डी पी माइनस एस एंट्रोपी था और स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर था। अगर हम यही इक्वेशन एक दफ़ा ए के लिए लिखते हैं और यही इक्वेशन एक दफ़ा बी के लिए लिखते हैं, क्योंकि दोनों ही डी जी के इक्वल है, एक दफ़ा हमने ये ए के लिए लिख ली वी ए डी पी और एंट्रोपी एस ए, उधर से वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा है वी बी और एंट्रोपी बढ़ के जा रही है एस बी। अब हम क्या करते हैं दोनों वॉल्यूम वाले फैक्टर को एक तरफ ले जाते हैं और एंट्रोपी वाले फैक्टर को दूसरी तरफ ले जाते हैं, जब हम इस तरह करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास अटेन होगी। इसमें से हम डी पी को कामन ले सकते हैं, अगर डी पी कामन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी ए माइनस वी बी, इसमें से डी टी को कामन ले सकते हैं तो एस ए माइनस एस बी। अगर ये
डी टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ आएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो गया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी जब क्रॉस होगी। अब यहाँ देखा जाए तुम्हारे पास इनिशियल माइनस फाइनल कंडीशन है, जबकि रियलिटी में क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल कंडीशन, यानी कि माइनस का साइन हमारे पास पहले आ जाएगा और इनिशियल का बाद में। इसमें भी हम सेम इसी तरह करेंगे, फाइनल को पहले ले आएंगे इनिशियल को वहाँ पे ले जाएंगे तो दोनों का नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा तो दोनों आंसर पॉजिटिव में चले जाएंगे। तो हमारे पास क्योंकि एस बी माइनस एस ए यानी कि चेंज हो रहा है तो हम इसको डेल्टा एस लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए यानी कि चेंज इन वॉल्यूम तो हम उसको डेल्टा वी लिख देंगे, जबकि हम डेल्टा एंट्रोपी को जानते हैं वो तो इक्वल है क्यू ओवर टी, यानी कि जो हम टेम्परेचर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके क्यू हीट जो एब्जॉर्ब हो रही थी सिस्टम के अंदर। अब डेल्टा एस की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी, यानी कि क्यू ओवर टी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी, अगर वो नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास उसकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी जो कि क्लैपेरॉन इक्वेशन, यानी कि स्मॉल चेंज इन प्रेशर और स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर इक्वल आ जाएगा क्यू हीट, यानी कि कोई भी हीट हो सकता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन हो सकती है, हीट ऑफ सब्लिमेशन हो सकती है, और इस तरह हमारे पास हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ फ्यूजन भी हो सकती है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में आना, हीट ऑफ फ्यूजन लिक्विड से गैस में जाना वेपराइजेशन, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस फेज में चले जाना हीट ऑफ सब्लिमेशन। और जब हम वहाँ पे एक मोल के लिए यूज़ करेंगे तो हम क्यू को रिमूव करके वहाँ पे डेल्टा एच लिख देंगे, मोस्टली वैसे यहीं पे डेल्टा एच लिख दिया जाता है, यानी कि हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम इस इक्वेशन को बोलते कैसे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि डेल्टा एच लिख दें या क्यू, यानी कि पहले हमने क्यू लिखा हुआ इसकी जगह डेल्टा एच कर देंगे जो भी हीट अब्जॉर्ब हो रही थी। हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, एक फेज से उसका दूसरे फेज में चले जाना, यानी सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में चले जाना। और टेम्परेचर ऑफ चेंज ऑफ फेज टी के, और चेंज इन वॉल्यूम जो हमने डेल्टा वी दिए गए, और ये इक्वेशन पहली दफ़ा ड्राइव की गई थी क्लैपेरॉन ने इन 1934 के अंदर, और इसी को हम क्लैपेरॉन इक्वेशन कहते हैं।